अभ्यास 5 गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। बच्चों स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इस अभ्यास में भी हमें अनुलेखन ही करना है। जिस तरह से इस स्क्रीन पे लिखा है, एक के बाजू में एक और एक शब्द के बाजू में एक, उसी तरह आपको किताब में भी 1 से 20 तक अंक और शब्द में लिखना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। अभ्यास 6, गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। बच्चों यहाँ पे हमें रेखा को काटना नहीं है, लेकिन गिनती को जोड़ना है, ठीक है? तो ये कैसे करेंगे आप सब देख लो। सबसे पहले एक, उसके बाद दो, फिर तीन, उसके बाद चार, चार के बाद पांच और छः, फिर सात, अब आठ, फिर नौ, नौ के बाद आ रहा है दस। बच्चों यहाँ पे मैंने 1 से 10 की गिनती बिना रेखा को काटे हुए आपको दिखा दी है। उसके आगे की गिनती यानी 11 से 20 आपको करनी है, ठीक है? तो बाद में कैसी आकृति आएगी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्वाध्याय प्रश्न 1, गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। बच्चों यहाँ आपको क्रम और शब्द दोनों ही दिए गए हैं, आपको उनमें से सही उत्तर चुनना है और बीच की खाली जगह में लिखना है, ठीक है? यहाँ आप स्क्रीन पे देखिए तो उसके उत्तर आपको दिखेंगे। उसी तरह से आपको यह स्वाध्याय अपनी किताब में लिखना है। दो, तीन, पांच, छः, नौ, सत्रह, अठारह, उन्नीस। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ,
दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। प्रश्न तीन, रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। अलविदा बच्चों।